सजैम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स, व्हाट अ मूवी यार। ऐसा लग रहा था कि इस मूवी को डीसी वालों ने नहीं मार्वल वालों ने बनाया है। सजैम 1 मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी क्योंकि उसके अंदर की जो कॉमेडी है वो मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद आई। लेकिन भाई सजैम 2 के अंदर उसका उल्टा हुआ। इसके अंदर भी कॉमेडी है जो कि आपको बहुत ज्यादा हंसाएगी, क्योंकि जब मैं इसको थिएटर के अंदर देख रहा था भाई सब लोग हंस रहे थे, सब लोगों को मूवी पसंद आ रही थी। लेकिन भाई ऐसा लग रहा था कि भाई पहली मूवी से उन्होंने मतलब थोड़ी बहुत कॉमेडी कम रखी इसके अंदर, क्योंकि उन्होंने एक्शन को थोड़ा बहुत बढ़ा दिया जो कि पहली मूवी के अंदर थोड़ा बहुत कम था। इस मूवी के अंदर उस मूवी से भी ज्यादा एक्शन देखने को मिलता है। बात करें मूवी के ऊपर ऑपरी था मतलब स्टोरी के बारे में, तो देवताओं की शक्तियों से विभूषित बिली बैटसन और उसके जो भाई बहन है वो अभी भी सीख रहे हैं कि किशोर जीवन को अपने व्यस्त सुपर हीरो के अहंकार से कैसे जोड़ा जाए। कहने का मतलब ये है कि उनका जो बचपन है वो अभी तक गया नहीं है, वो अपने सुपर हीरो लाइफ को अपने जो बचपन है उसके साथ मतलब कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों में एक तरह ही लगे, ऐसा ना लगे कि भाई सुपर हीरो कोई बच्चा है। लेकिन इसी बीच एटलस की 3 बेटियां उनसे चुराए गए जादू की तलाश में पृथ्वी पर आती है, जो कि हेस्पेरा, कैलिप्सो एंड एंथिया। और सच बताऊं तो भाई ये तीनों के तीनों अलग है, ऐसा लगता ही नहीं है कि तीनों बहनें हैं। सबसे बड़ी बेटी हेस्पेरा, ऐसा लगता है कि भाई उसको सिर्फ अपना मकसद पूरा करना है, उसको बाकी सबसे कोई मतलब नहीं है। 2 नंबर पर आती है हमारी कैलिप्सो जो कि बहुत ही ज्यादा हरामी है भाई, इसको तो मतलब सब कुछ तबाही चाहिए, इसको मकसद से कोई लेना देना नहीं है। एंड लास्ट के अंदर आती है हमारी एंथिया जो कि मतलब दिल की अच्छी है, उसको अपना काम भी पूरा करना है, बस बाकी से किसी को मतलब चोट पहुंचाना नहीं है। और सबसे ज्यादा मेरे को यही अच्छी लगी भाई। और इसके बाद सजैम और उसकी फैमिली अपनी मां सकती है, अपने जीवन और दुनिया के भाग्य के लिए इस लड़ाई के अंदर शामिल हो जाते हैं एटलस की बेटियों को रोकने के लिए। और अगर आपने इसके ट्रेलर को थोड़ा बहुत भी ध्यान से देखा होगा तो आपको मतलब एक चीज तो समझ आ गई होगी कि भाई जो बाकी 2 बेटियां एटलस की उनका इतना ज्यादा कुछ बड़ा रोल होगा नहीं। जो इसके अंदर बीच वाली बेटी है ना, इसके अंदर हमारी कैलिप्सो, वही इस मूवी की मेन विलन थी। एंड भाई उसके जो हरामी पने को देखकर भाई बोल रहा था कि भाई कितनी हरामी है यार। जैसा कि एक टिपिकल सुपर हीरो मूवी के अंदर होता है, लास्ट के अंदर एक बहुत बढ़िया वाली हैप्पी एंडिंग देनी है, तो इस मूवी के अंदर भी उन्होंने वो सही राह चुनी है। लेकिन भाई उसका जो मतलब तरीका था वो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है यार। तो मतलब दिखा तो आप ऐसे रहो कि तुम्हारा बिली बैटसन वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहा है, लेकिन भाई किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो मर रहा है, कैसे मर रहा है, क्यों मर रहा है, क्योंकि सबको पता है कि भाई नहीं मरने वाला, क्योंकि आपने पहले ही लीक करके बता दिया कि भाई लास्ट के अंदर वंडर वुमन आने वाली है एंड वो सब कुछ ठीक करके जाने वाली है। इसलिए मतलब मूवी ना काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो गई थी कि भाई सब कुछ हमको पता ही है भाई क्या होने वाला है। मतलब मैंने इसके मूवी देखने के बाद इसके ट्रेलर को वापस से देखा, भाई इतने सारे सीन्स हैं जो कि मतलब बहुत कुछ रिवील कर देते हैं, और इसकी स्टोरी का मतलब कॉमिक बुक से कोई वास्ता है नहीं वैसे भी। तो अब बात करें इस मूवी के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में, तो सबसे पहले भाई इस मूवी की जो कॉमेडी है मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आई, मेरे को अच्छी लगी भाई जिस तरह से उन्होंने जोक्स को लिखे हैं। मतलब जोक्स के अंदर इन्होंने मतलब किसी को नहीं छोड़ा, डीसी को लपेट लिया, मार्वल को लपेट लिया, एवेंजर्स को लपेट लिया, सबके ऊपर जोक्स मारे हैं और भाई सबको वो जोक्स पसंद भी आए। लेकिन जो इसकी हिंदी डबिंग है ना भाई, उसने इसको मतलब बहुत ज्यादा इसके प्लस पॉइंट दिया। संकेत मात्र है कि भाई डबिंग मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। इसकी हिंदी डबिंग में ऐसा लगता ही नहीं कि भाई एकदम मतलब ओरिजिनल लैंग्वेज इसकी कोई और है। इसकी हिंदी डबिंग भी भाई बहुत अच्छी तरीके से हुई थी, मैं उसको भी एक प्लस पॉइंट में गिनूंगा पॉजिटिव पॉइंट में। और साथ साथ इसके एक्शन और वो एक ड्रैगन ने हमको गेम ऑफ थ्रोन्स और मतलब हैरी पॉटर की बहुत बढ़िया वाली याद दिला दी। लेकिन भाई मैंने तो दोनों ही नहीं देखे, तो भाई मैंने उसको पहली बार एक्सपीरियंस किया और मेरे को भाई ड्रैगन अच्छा खासा लगा यार, कि हाँ भाई अच्छा खासा है। नाउ टॉकिंग अबाउट नेगेटिव पॉइंट्स भाई, तो एट द लास्ट ये एक टिपिकल सुपर हीरो मूवी बन गई रह जाती है। मतलब उन्होंने अपने स्टेक्स उनको बहुत ज्यादा हाई किया था, भाई एटलस की बेटी आ रही है साथ में मतलब ड्रैगन्स लेके आ रही, कितने सारे मतलब आप देखोगे तो भाई मॉन्स्टर्स ही मॉन्स्टर्स सिटी के अंदर, हमारे जो बाकी जितने भी सुपर हीरो मतलब जो सजैम फैमिली उनकी पावर्स जा रही है। मतलब क्या क्या सोचा था भाई हमने ट्रेलर देखकर, भाई कितने हाई स्टेक्स लेके जाएंगे, क्या क्या करेंगे। लेकिन भाई उतना ज्यादा मेरे को नहीं लगता कि मूवी लेके गई, मतलब इनके पास स्टेक्स बहुत बड़े बड़े थे लेकिन भाई वो उतनी ऊंचाई तक पहुंच नहीं पाए। और सबसे मेन बात भाई PG-13 से मैं बहुत ज्यादा ना खुश हूं भाई। मतलब मॉन्स्टर्स इंसानों को उठा उठाकर फेंक रहे हैं भाई, मार रहे हैं, लेकिन वो इतना फील नहीं हो रहा भाई कि यार क्या भाई क्या दिखा रहे हो बच्चों वाले। मतलब अभी के बच्चे भाई आप परियां नहीं देखते, आप क्या दिखा रहे हो गनसर भाई। PG-13 से मैं बहुत ज्यादा ना खुश हूं भाई, उसको थोड़ा बहुत तो आप मतलब PG-13 की हदें उनको थोड़ा बहुत टच तो करना चाहिए था ना, क्या ही बताऊं यार PG-13 के बारे में। एंड नेक्स्ट चीज भाई VFX चीज है, मैं भी थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट हूं कि जहां पर मतलब अच्छे तरीके से उनको दिखाना चाहिए था वहां पर उन्होंने सब कुछ मतलब डार्क कर दिया अच्छे तरीके से, मतलब चीजें दिख नहीं पाती। जो एक्शन के अंदर जो नाइट वाले सीन डाल दिए उन्होंने, मेरे को इसमें ज्यादा कुछ फील हुआ नहीं भाई। और भाई इसकी मार्केटिंग टीम क्या नशे करके बैठे हो भाई लोग, तुम यार क्यों दिखाया वंडर वुमन को टीवी स्पॉट के अंदर भाई, क्या ही जरूरत थी लीक करने की भाई, हम तो ऐसे ही मूवी देख लेते। लेकिन उन्होंने वंडर वुमन को भाई टीवी स्पॉट के अंदर लीक करके भाई मैं कहीं के भी मतलब मेरे को नहीं लगता कि एक बहुत ही बढ़िया वाली स्ट्रेटजी है भाई, बहुत ही बेकार है तुम्हारे प्लानिंग। अगर सीधा ही वंडर वुमन को हम देखते ना भाई मूवी के अंदर तो भाई बहुत ज्यादा मजा आता, सलमान भाई जान की तरह पठान के अंदर कैमियो होता तो वो देख कर अच्छा लगता। लेकिन इसके अंदर भी क्या ही बकवास है एंट्री, क्या ही बकवास है मतलब कैमियो, ऐसा कुछ था ही नहीं भाई। वंडर वुमन की जगह आप ब्लैक एडम को भी ला सकते थे, लेकिन भाई अच्छी बात यह भाई वंडर वुमन को देख स्क्रीन पर अच्छा तो लगा हमको, लेकिन भाई उसका कोई सेंस नहीं बनता यहाँ पर। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस, तो भाई हमारी रेकेल जैगलर एंड जो जैक डायलन ग्रेजर है जो फ्रेडी फ्रीमैन का मतलब रोल है वो करते हैं भाई, उनकी एक्टिंग मेरे को पसंद आई। और हमारी जो रिचेल जो एंथिया है उनकी भी मेरे को एक्टिंग बहुत ज्यादा पसंद आई। अब भाई मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी की एक्टिंग अच्छी नहीं थी, बाकी का काम मेरे को पसंद आया, लेकिन इन दोनों ने मेरे को ज्यादा कुछ मतलब ऐसे अट्रैक्ट किया, मतलब दिखा कि भाई ये काम अच्छा कर रहे हैं। भाई मिड क्रेडिट सीन के अंदर भी ज्यादा कुछ था नहीं, उसके अंदर हमारी जो जेम्स की उनकी जो वाइफ है जो पीस मेकर के अंदर
थी वो आती बॉयलर की तरफ से हमारे सज्जन के पास कि तुमको हम अपनी जो जस्टिस सोसाइटी है उनके साथ जोड़ना चाहते हैं। तो भाई हमारा बंदा है वो पहले पूरा नाम सुनने से पहले हाँ बोलता है कि हाँ भाई वंडर वुमन है उसके अंदर मैं काम करूंगा। भाई कितना सिंप है यार तू, वंडर वुमन का नाम सुनते ही भाई इसके अंदर कूद पड़ता है। भाई सच बताओ ना भाई, वंडर वुमन के साथ सज्जन को देखकर मेरे को वो वाला मतलब डायलॉग याद आ रहा है कैरी मिनाटी का, बच्चे तेरी माँ की चूत। लेकिन भाई वो देखकर ऐसा फील हो रहा है कि भाई सज्जन में मतलब न्यू डीसीयू के अंदर भी रहेगा वो, मतलब रिबूट नहीं होने वाला है। मतलब एक होप तो है कि भाई रिबूट नहीं होगा। एंड पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर भी ज्यादा कुछ था नहीं भाई, वो एक डॉक्टर सिवाना को दिखा दिया जो एलियन कैटरपिलर है, वो आता है और बोलता है भाई अभी टाइम लगेगा, अभी वो प्लानिंग जो भी कर रहे हैं वो मतलब ज्यादा कुछ अभी हुआ नहीं है उसके अंदर, अभी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब बताने के लिए आया था, मतलब ज्यादा कुछ उसके अंदर था ही नहीं। फिर भाई एट द लास्ट मेरे को ये मूवी पसंद आई, मैंने उस मूवी को एंजॉय किया, लेकिन मैं इसको एक बहुत ही बढ़िया मूवी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ भाई ये मूवी आपको मजा जरूर देगी। और फिर इसी के साथ हम इस वीडियो के पे एंड करते हैं। लेकिन मैंने भाई लास्ट ऑफ अस के पूरे सीजन के ऊपर बात कर देगी तो उसका वीडियो आपको यहीं के मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हो। तो फिर अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल नए हो तो सब्सक्राइब।